आज कटहल बीज का भरता बनाती हूँ। सिंपल वेज रेसिपी है ये, प्रोटीन से भरपूर होती है बीज। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। 250 ग्राम मैं बीज ले लिया यहाँ। बीज को पहले बॉयल करना होता है, तो मैं कुकर में बीज को डाल देती हूँ, सफिशियंट पानी डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम में मिनिमम 3-4 व्हिसल लगा लेती हूँ, या तब तक इसे कुक कर लेना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, बीज अच्छी तरह से होपफुली बॉयल हो गया है। इसे ट्रे पे निकाल लेती हूँ, एक चेक करके पहले देख लेती हूँ, दबाने से ये बिल्कुल नरम हो गया है। तो पहले इसको एक ट्रे में निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है और इसके ऊपर एक हार्ड प्लास्टिक जैसा कवर होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले इसे ठंडा होने देती हूँ। बीज मेरा ठंडा हो गया है, अब इसका जो ऊपर का हार्ड कोट है उसको निकालना है। इस तरह से छील के इसको निकालना है, आप चाहो तो चाकू का हेल्प भी ले सकते हो। हार्ड कोट के नीचे एक ब्राउन कलर का कोट है, उसके अंदर बीज का व्हाइट वाला पार्ट आती है। ब्राउन वाला पार्ट एडेबल है और न्यूट्रिशियस भी है, इसीलिए मैं ब्राउन वाला पार्ट को भी यूज करूंगी। आपको अगर पसंद नहीं है तो ब्राउन वाला पार्ट को भी पीलर से निकाल सकते हो। तो सारे बीज का छिलका मैं पहले उतार लेती हूँ। सारे बीज का मैं छिलका निकाल लिया। अब कुछ बीज नरम है, कुछ थोड़ा सा हार्ड है। सारे बीज एक जैसा नहीं होती है, जैसे हर साबुत दाल एक जैसा नहीं होती है, ये भी सेम है। तो जो नरम है या जितना हो पाता है मैसर से मैं मैश कर लेती हूँ और बाकी थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। बीज को मैं मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया। पैन गर्म होने के लिए रख दिया और थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल ही डाल रही हूँ। इस भरता का कई वर्शन होता है, भेज वर्शन ही कई होता है, नॉन वेज वर्शन भी होती है। जो लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हो, प्रॉन को फ्राई करके छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हो, इवन चिकन को भी छोटे पीस करके डाल सकते हो। एक चम्मच मैं कलौंजी डाल दिया तेल में, तेल और कलौंजी दोनों को ही गर्म होने देती हूँ। मैं आज सिंपली भेज वर्शन बना रही हूँ। कलौंजी मेरा बन चुका है, इसमें मैं 5-6 कलियाँ लहसुन को छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी थी उसको डाल दिया, और साथ में एक छोटा सा प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी थी, और अपना स्वाद अनुसार हरी मिर्च भी डाल दिया। लहसुन और प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। प्याज और लहसुन मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। आपके पास अगर स्प्रिंग ऑनियन है तो स्प्रिंग ऑनियन की भी डाल सकते हो, इवन आप इसमें टोमेटो डाल सकते हो, आप चाहो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हो, इवन मैंने यहाँ तेल डाला है, तेल के जगह घी भी डाल सकते हो। तो अलग अलग चीज़ डालने से ऑब्वियसली टेस्ट भी अलग हो जाएगा। नमक डाल देती हूँ अपना स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा सा ध्यान से डालना है। बीज का पेस्ट का जो अभी वॉल्यूम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी है, पानी को बिल्कुल इवापोरेट करके निकालना है। तो आप, मैं इसमें बीज का पेस्ट को डाल देती हूँ। मैंने आज हल्दी पाउडर भी नहीं डाला, हल्दी पाउडर डालने से भरता का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जो भी इंग्रेडिएंट आप डालोगे ऑब्वियसली आपका डिश का लुक एंड टेस्ट चेंज होते जाएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया रोस्टेड जीरा पाउडर, बस और कुछ नहीं डालना है। इसको अच्छी तरह से चलाना है और प्याज लहसुन और तेल के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करनी है। तो फ्लेम इस वक्त बिल्कुल ही लो है मेरा, और चलाते हुए इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को मैं इवापोरेट कर लेती हूँ। भरता मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार है, पानी इवापोरेट हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और एक सर्विंग बोल पे इसे निकाल लेती हूँ। कटहल बीज का भरता बनके बिल्कुल तैयार है। दाल चावल के साथ, रोटी पराठा के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। होममेड सिंपल रेसिपी है, न्यूट्रिशियस है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड मेरे साथ बने रहने के लिए, आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ, पसंद आई तो अपना फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं आगे कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।